जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका बहुत आभार है। आप जो प्यार और सपोर्ट हमें प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि नमक का वो कौन सा उपाय है जो आपके बड़े से बड़े काम को बना सकता है, जो आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी का हल कर सकता है, और जो काम आपके बहुत दिनों से रुके हैं, जिनके लिए बहुत कोशिशें कर रहे हैं पर वो काम नहीं बन रहा है, तो आप नमक के एक चुटकी नमक से इन उपाय को करके आप बहुत हद तक बहुत ज़्यादा फ़ायदा प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत से जातकों ने किया है, उन्हें फ़ायदा हुआ है, और मुझे पूरा यकीन है कि आप इसे करेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा। पर इस उपाय का एक सबसे पहला और मूल मंत्र यह है कि ये उपाय जब भी करें तो इसे शेयर नहीं करना है, किसे हमें बताना नहीं है, क्योंकि बताने से इसका महत्व मतलब बताने से ये उपाय पूर्ण नहीं हो पाता है और खंडित हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि किसी से करने से पहले ये बात, जब तक आपको फ़ायदा न मिले तब तक अन्य से शेयर न करें। तो इस वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें। वो इसलिए सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा सकारात्मक वीडियो मिलते रहें। दूसरा है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि कमेंट्स में भगवान का जो आपको नाम अच्छा लगे वो ज़रूर लिखें। ओम नमः शिवाय लिखें, श्री गणेशाय नमः लिखें, जो आपको अच्छा लगे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस मुझसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं, उसका शुल्क लागू है। अब हम आते हैं मुद्दे के ऊपर कि उपाय में दरअसल हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें यह चीज़ करना है कि खड़ा नमक जो बाज़ार में आसानी से मिल जाता होगा, जो हम नमक सामान्य नमक नहीं, जो नमक हम खाते हैं ये नमक नहीं, खड़ा नमक आता है जो बिना रिफाइनरी हुए, जो डायरेक्ट समुद्र से निकलता है, जिसे खड़ा नमक कहते हैं, उस नमक को आप लेकर आएँ और अपने पर्स में मतलब एक पुड़िया बांध लें कागज़ की और एक चुटकी सा थोड़ा सा नमक ले लें और उसे सोमवार के दिन अपने पर्स में रखना शुरू कर दें, अपने जेब में रखना उसको शुरू कर दें। उसे कंटिन्यू जेब में रखें, रात में सोते वक्त भी रखें, और जब 7 दिन पूरे हो जाएं, मतलब सोमवार से सोमवार के बीच जो टाइम पीरियड है, हर सोमवार को वो नमक आप बदल दें, और वो जो नमक आपको बदलना है ऐसे 5 सोमवार तक आप बदलें कंटिन्यू। ये आप इसको करते रहें, 5 सोमवार के बाद इसे न दोहरा कर आगे न बढ़ाएं, तो इस दरमियान आपके काम में भी आपको तेज़ी मिलेगी, पॉजिटिव चीज़ें मिलेगी, सकारात्मक चीज़ें मिलेगी और बहुत सारे फ़ायदे होंगे। कुल मिला के नमक, चुटकी भर नमक आपको अपने पर्स में रखने की एक आदत डालना होगी और सोमवार से सोमवार के दिन बदलना होगा। ये बहुत पॉजिटिव है, बहुत सकारात्मक है। उसके बाद जो नमक जो आप फेंकेंगे नहीं, उसे कहीं भी या तो बहती नदी में प्रवाहित कर दें या उसे ज़मीन में गाड़ दें, या अगर आप जैसा भी उसे ऐसी सुरक्षित जगह पर कर दें ताकि किसी के लात पैर में ना आए वो,